हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। उस टाइम पर मैं रीडिंग कुछ लेकर आई हूं आप सभी के लिए। जनरल बेसिस की रीडिंग है और आज की इस रीडिंग में गाइस मैं चेक करने वाली हूं अगर आपके पर्सन इस टाइम पर साइलेंस मोड पर है, बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल इस टाइम पर उनकी और आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आपको लेकर आखिर वो क्या कुछ सोच रहे हैं, आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर एक साइलेंस सिचुएशन में। अगर वो बिल्कुल इस टाइम पर आप लोग के बीच में एक ब्लॉक सिचुएशन है तो वो क्या सोच रहे हैं। सो गाइस अपने पर्सन का नेम एंड अपना नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। एंड आप अगर लिखते हैं कमेंट सेक्शन में गाइस तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मेरे साथ में कनेक्ट हो पाती हैं जिससे मुझे हेल्प मिलती है। सो प्लीज़ अपना नेम को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें एंड ओम नमः शिवाय एंड थैंक टू यूनिवर्स को भी ज़रूर से लिखें ताकि आपकी जो एनर्जीज़ है वो बिल्कुल पॉजिटिवली आपके साथ में जो है रेजोनेट हो। सो जनरल बेसिस की रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। इस टाइम पर जिन भी पर्सन के साथ में आप एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका नाम इस वक्त आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपको लेकर नो कॉन्टेक्ट में कैसी है चेक कर लेती हूँ मैं। ओके सो वी आर द वर्ल्ड। अगर आप इन पर्सन के साथ में देखिए, अगर एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, फिर पर्सन अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, तो मुझे यहाँ पर एक जो स्टार्टिंग एनर्जी आई है, एक पॉजिटिव एनर्जीज आई है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ में जैसे अगर आपसे अगर डिस्टेंसेज आ गई हैं तो जैसे आप दोबारा से रियूनियन चाहते हैं, जैसे आपके साथ में पर्सन फ्यूचर सोचते हैं, या फिर मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके साथ मिलकर ये पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है कि अगर इस टाइम पर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक फंसाव महसूस कर रहे हैं, बर्डन को महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर मेरे पास में आई है, स्ट्रेस को महसूस कर रहे हैं। तो भले ही पर्सन इस टाइम पर ऐसा महसूस ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपको लेकर जैसे परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, साइलेंस हो गए हैं ये पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी ऐसी सिचुएशन में है इस टाइम पर कि आपसे बात भी करना चाहते हैं बट अपने मन को कहीं ना कहीं जैसे समझा रहे हैं कि नहीं अभी इनको ये नहीं करना है। कोई मजबूरी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जैसे हो सकता है कि इनकी फैमिली में इस टाइम पर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि ये पर्सन चाहकर भी जो है आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन पर्सन को जो है स्ट्रेस हो रहा है, परेशान हो रहे, एक फंसाव को महसूस कर रहे हैं कि आखिर जल्दी सारी परेशानियाँ जो है इनकी लाइफ से ख़त्म हो और ये पर्सन आपसे बात कर सके, आपसे अपनी फीलिंग को कम से कम कह सके। सो ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन पर्सन की कि बहुत ज़्यादा जैसे ये पर्सन परेशान हो रहे हैं इस टाइम पर आपसे बात करने के लिए, अपनी फीलिंग को कहने के लिए, और बिल्कुल मायूस हो गए हैं। वो मायूसी कहीं ना कहीं इनकी साइलेंस मोड में बदल गई है बिल्कुल, कि अब जब ये बात ही नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर ये अब आगे अपनी लाइफ में क्या करें, कैसे बढ़ें। आपसे बात ना करना कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनको स्ट्रेस दे रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। सोच आप ही के बारे में रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को सोच रहे हैं, सारी चीज़ें वही सोच रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप इनके साथ में हो, बट सिर्फ इस टाइम पे ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इन पर्सन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड गाइस अगर इस टाइम पर आप साइलेंस मोड पर हैं कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और आप भी इनसे बात नहीं कर पा रहे हो, आप भी साइलेंस हो गए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो अपने पर्सन के लिए और आप भी अगर इस टाइम पर साइलेंट हो गए हो तो ये पर्सन और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन पर्सन के मन में और तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि आखिर इनके साथ तो ये प्रॉब्लम है इसलिए पर्सन साइलेंट हो गए हैं, बट आखिर आप क्यों साइलेंट हो? कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइम पर साइलेंट हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन जैसे रो रहे हैं, आइसोलेशन में आ गए हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर इनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एकदम लेजीनेस को महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, चीज़ों में बिल्कुल जैसे इनकी कोई रुकावट सी आ रही है, बाधा आ रही है बहुत ज़्यादा, जैसे इन पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी लाइफ में ये पर्सन आगे बढ़े, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर क्रिएट कर रही है। सो आपके तरह आपसे रिलेटेड तरह तरह के पर्सन फियर को महसूस कर रहे हैं, जैसे कहीं आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, या फिर आप इनको भूल तो नहीं गए हैं, या फिर इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर ना चले जाओ, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कहना यही चाह रहे हैं कि आज भी अपने पास्ट को बहुत मिस
करते हैं, कहीं ना कहीं अपने पास्ट को सोच सोच कर ये पर्सन आज भी बहुत दुखी होते हैं एंड अगेन से आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं। आपकी लाइफ में अगेन से ये पर्सन ज़रूर से लौटेंगे और आपसे आपके साथ में अगर ये पर्सन मैरिज करना चाहते थे तो मैरिज करेंगे, या फिर जो भी ड्रीम्स आपने देखे थे दूसरे के साथ में उनको पूरा करेंगे। सो आपको कहीं ना कहीं पर्सन स्टैंप पर मैं कह रही हूँ या देख रही हूँ यहाँ पर कि पर्सन आपको जैसे एक मैसेज देना चाहते हो कि आप इनकी बातों को समझिए कितना ज़्यादा ये पर्सन स्टैंप पर आपको लेकर दुखी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ पर्सन आपको समझाना चाहते हैं एंड आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि कोई कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि ये पर्सन आखिर इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग को अब और नहीं रोक पाएंगे, इतना ज़्यादा और अपनी फीलिंग को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे कि आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि भले इस टाइम पर पर्सन साइलेंट हैं बट पास्ट नहीं भूले हैं और ना ही भूल पाएंगे। सो गाइज आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है रेसोनेट की। होटल द टाइम टेक एंड हैव अ नाइस डे।